हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है डेली हेल्थ टिप्स। तो आज हम आपको बताएंगे किडनी खराब होने के कुछ लक्षण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल किडनी फेलर के मरीजों में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। अपने देश में ही नहीं बल्कि लगभग सभी देशों में किडनी फेलर के रोगियों की संख्या बढ़ ही जा रही है। तो दोस्तों, ये किडनी फेलर क्या होता है? कुछ लोग जानते होंगे बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ कि किडनी फेलर मतलब किडनी का समुचित रूप से काम न करना। किडनी फेलर का एक प्रमुख कारण मधुमेह या डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ना। हालांकि इसके दूसरे भी कारण हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की चलनियों में संक्रमण, पथरी का बनना और दर्द निवारक मेडिसिन का मतलब के पेन किलर का अत्यधिक सेवन करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो दिया है उसको क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब जानते हैं किडनी फेलियर के सिम्टम्स। तो पहला सिम्टम है शरीर में सूजन का होना। दूसरा सिम्टम है टॉयलेट की मात्रा में कमी होना। तीसरा सिम्टम है टॉयलेट में खून या प्रोटीन आना। चौथा सिम्टम है टॉयलेट बार बार आना। पांचवा सिम्टम है टॉयलेट में जलन होना। छठवा सिम्टम है भूख की कमी होना। सातवां सिम्टम है शरीर में ब्लड की कमी होना। और लास्ट और आठवां सिम्टम है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो ये थे किडनी फेलर होने के कुछ सिम्टम्स। जब किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है तो घबराइए मत। इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ उपाय। पहला है हेमोडायलिसिस। ये एक आम तरीका है किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, जिसमें हफ्ते में 3 बार मशीन से खून साफ किया जाता है। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें पेट में एक कैथेटर लगा दिया जाता है और उसके द्वारा डायलिसिस फ्लूइड को पेट में डालते और निकालते हैं। तीसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें एक नई किडनी जो कि डोनर के द्वारा दी जाती है, उस किडनी को मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसके बाद डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वर्तमान डोनर में गुर्दा प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट एक अच्छा इलाज है, जिसमें मरीज आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है। किडनी फेलर सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए अब हम जानते हैं कुछ आसान से एडवाइस जो आपको ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें रोज़ फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला है स्वस्थ आहार ले। दूसरा, शरीर का वज़न स्वस्थ सीमा में रखें। तीसरा, नमक का यूज़ खाने में कम करें। चौथा, अगर आपको डायरिया, उल्टी या बुखार है तो डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए खूब सारा तरल पदार्थ लें। पांचवा, नियमित रूप से व्यायाम करें। छठवा, स्मोकिंग या अन्य उत्पादों का इस्तेमाल न करें। स्मोकिंग से किडनी में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे पहले से हो चुकी समस्या गंभीर रूप ले सकती है। सातवां और आखिरी एडवाइस ये है कि दर्द निवारक यानी पेन किलर जैसी दवाइयों का सेवन ना करें,
क्योंकि ये आपके किडनी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो में दी गई जानकारी और एडवाइस आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज के वीडियोस के रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।